मुंगेर जिले के नक्सल प्रभावित लड़ैया टांड थाना क्षेत्र के लड़ैया टांड गांव में एक 35 वर्षीय महिला को छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया। अपराधियों ने छेड़छाड़ का विरोध करने वाली महिला को मारपीट कर अधमरा कर दिया। जख्मी महिला का सदर अस्पताल मुंगेर में उचित इलाज जारी है। वहीं सदर अस्पताल मुंगेर में इलाजरत महिला का पति मनोज यादव ने बताया कि लड़ैया टांड गांव निवासी विश्वनाथ यादव के पुत्र राजेश यादव ने घास गढ़ रही मेरी पत्नी 35 वर्षीय करीना देवी के साथ गलत नियत से छेड़छाड़ की। पत्नी के चीखने चिल्लाने के बाद सब परिवार वे लोग वहां पहुंचे और इस हरकत का विरोध किया। इसी दौरान मुन्ना यादव सहित उसके सहयोगियों ने उसके ऊपर और उसके पूरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे सभी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पीड़ित ने बताया कि हमलावर ने यह भी कहा कि 5 लाख रुपये रंगदारी दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे प्रिंस को जान से मार देंगे। घास काटने के लिए इसको भेजे सुबह। जो घायल हुई है आपकी पत्नी है, घास काटने के लिए गए। घास काटने के लिए आपकी पत्नी गई थी, कौन मारा है? अड्डा में जब घास गड़ रहा था, ये दो तीन को भाई था उधर खेत घूमते हुए गया, इसको छेड़छाड़ करने लगा। अच्छा, कौन है छेड़छाड़ करने वाला? वो है राजेश यादव, विपुल यादव, मुन्ना यादव। ये कहाँ का है? ये लोग तीनों है मेरे बगल का, लड़ैया टांड का है ये। जी हाँ, पिता के क्या नाम है? राजेश। भेजे, चिल्लाया था हम इसको भेजे। अच्छा, गया इसका भी मुंह बंद कर दिया। राजेश यादव का पिता क्या नाम है? विश्वनाथ यादव। पुत्र राजेश यादव ने इन पर हमला किया? जी हाँ। और क्या किया? हमला किया तो गदाल करने लगा। जी जी, बस ये जो है इसको हम भेजे कि कैसे रे गदाल हो रहा। गया तो वहाँ जो है इसका मुंह बंद कर दिया, इसको दो तीन को मिलकर बजा दिया। फिर इसको दिखे सर मारपीट जो दिखे, इसको आशिकी था ये बजरंग बली, उसको भी घिंच के तोड़ दिया। मेरे पास चैन था सोने का और बजरंग बली था हाथ में।